हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड. सो टुडे इज़ योर इंग्लिश ग्रामर टर्न स्टूडेंट्स. और आपने जो है लास्ट टाइम में आर्टिकल चैप्टर स्टार्ट किया था. आर्टिकल का पार्ट वन आपका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आर्टिकल्स में आप एक बार चलिए रिवीजन करते हुए चलते हैं तो आपको पता चल जाएगा. इसके पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा. इसमें है ए ई आई ओ यू आर कार्ड वॉवल्स, ये आपको पता है. बाकी के जो लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो कॉन्सोनेंट होते हैं. और ये भी आपको पता है कि जो वॉवल्स के लेटर्स होते हैं उनके पहले एन का यूज़ करते हैं, और जो विदाउट वॉवल यानी कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं उनके पहले हम ए का यूज़ करते हैं. तो इस तरह से यहाँ तक आपने पढ़ा. और डेफिनेट इनडेफिनेट टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आपने पढ़ा, अनिश्चित और निश्चित. तो अनिश्चित आर्टिकल आप लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, ए और एन. जो नाउन डिफिनेट यानी कि अनिश्चित होती है उसके पहले ए और एन का यूज़ होता है, जैसे रूम, चेयर, फैन, पेन, ये सब, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट के पहले शुरू होते हैं ना ये वर्ड. टी एम बी एम पी सी जी बी वी टी यू. देखिए यू यूनिफॉर्म है, अभी आपको पीछे नोट्स में बताया था ना कि यूनिफॉर्म में ए प्रोनंसिएशन में नहीं आता, यू आता है ई, तो इसलिए जो है EU आता है, तो इसलिए इसको जो है इसके पहले हम A का यूज़ करते हैं. तो यहाँ तक आपने पढ़ा कि हम वॉवल्स के पहले N का यूज़ और कॉन्सोनेंट के पहले A का यूज़ करते हैं. अब देखिए आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि निश्चित आर्टिकल. द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर अ डेफिनेट नाउन. जो द आर्टिकल होता है ये निश्चित आर्टिकल होता है. इसका प्रयोग हम निश्चित आर्टिकल्स यानी निश्चित संज्ञा के पहले करते हैं. आप देखिए विद अ नाउन ऑलरेडी मेंशन, जो नाउन के साथ हमेशा पहले से ही लिखा होता है. जैसे देयर लिव्ड अ लेडी इन द फॉरेस्ट, जंगल में वहाँ एक महिला या एक औरत रहती थी. द लेडी वॉज काइंड, वो लेडी क्या थी, दयालु थी. तो ए लेडी इन द फॉरेस्ट, द लेडी, अब लेडी के लिए लेडी नाउन है, लेडी के लिए क्या लग गया, द लेडी वॉज काइंड. सेकेंड ऑप्शन एग्जाम्पल है आपका देयर वॉज ए लॉयन, वहाँ एक शेर रहता था. तो क्या है, द लॉयन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जंगल में शेर रहता था, जिस जंगल में शेर रहता था, देखो देयर वॉज ए लॉयन, वहाँ एक शेर था. द लॉयन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, शेर जंगल में रहता था, तो द लॉयन लग गया ना, लॉयन यानी कि नाउन हो गया. द फॉरेस्ट वॉज डेंस, अब जंगल की बात हो रही है तो जंगल निश्चित है ना, कि शेर जहाँ रहता था वो जंगल था, और वो जो जंगल था वो जो है बहुत घना जंगल था, तो फॉरेस्ट के पहले द लग गया. फिर सेकंड देखिए नंबर टू, विद अ नाउन ऑलरेडी नोन, जिसमें हमें पहले से नाउन का पता हो. द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट, जो हमारे प्रिंसिपल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो प्रिंसिपल के पहले क्या लगा, द लगा. स्विच ऑन द लाइट्स, लाइट्स को जला दो, द लाइट्स यानी कि लाइट के लिए द का यूज़ हुआ. With a noun that represent the whole class or types, कह रहा है with a noun that represent, अब संज्ञा के साथ जो present करेगा, जो दिखाएगा the whole class or type, पूरी उसकी class क्या है, उसकी श्रेणी क्या है, वो किस प्रकार का है. तो जैसे क्या किसके बारे में बता रहा है कि कौन सा जानवर कितने प्रकार का है, किस टाइप का है. तो the cow is a useful animal, तो cow के बारे में बताया जा रहा है ना कि वो एक बहुत उपयोगी जानवर है. useful का मतलब उपयोगी, तो द काउ लगा कि नहीं लगा, तो मीन्स ऑफ मीन्स ऑल काउस, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जितनी भी गाय होती हैं सभी जो है बहुत ही यूज़फुल एनिमल होती हैं. यूज़फुल का मतलब बहुत ही हमारे काम की जानवर होती हैं, जैसे उसके गोबर का भी यूज़ होता है, मिल्क का भी यूज़ होता है ना, और मिल्क से घी, दूध, दही सब कुछ तो बनता है, मक्खन. तो इसलिए कह रहा है बहुत ही यूज़फुल एनिमल है. द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो द हॉर्स, घोड़ा द, तो द लगा. मीन्स ऑल हॉर्स, मीन्स ऑल हॉर्स मतलब कि सभी घोड़े. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे घोड़े के बारे में और गाय के बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग बहुत ही उपयोगी जानवर हैं और ये किस काम आते हैं, किस प्रकार के हैं. ठीक है, नंबर फोर में है विद अ यूनिक नाउन. अब यूनिक का मतलब जो कभी नहीं बदलता, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था किसी चैप्टर में, यूनिक वो होता है जो कभी नहीं बदलता. जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसके पहले भी द का यूज होता है. अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, कभी बदल सकती है नहीं, तो इसके पहले हमें पता है कि ये निश्चित ही है, तो डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए हम यहाँ द का यूज़ आर्टिकल का यूज़ करेंगे.
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सन भी हमारा कभी नहीं बदलेगा। द मून शाइन्स इन द स्काई, मून कहाँ शाइन करते हैं, चंद्रमा आसमान में। तो मून भी निश्चित आर्टिकल है और स्काई जो आसमान में वो भी कभी नहीं बदलेगा। तो द मून शाइन्स इन द स्काई। फिर देखिए नंबर फिफ्थ रूल क्या है, विद द नेम ऑफ क्लासिकल एंड रिलीजियस बुक्स। जो क्लासिकल और रिलीजियस बुक होती है, हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं, जैसे गीता, बाइबल, कुरान और द अभिज्ञान शकुंतलम, सॉरी द अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ पे स्पेलिंग शायद रॉन्ग लिखी है क्या, अभिजनान कुछ करके लिख दी गई है, अभिज्ञान शकुंतलम होता है इस बुक का नेम, द रामायणा। तो जो जितनी भी हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं और सांस्कृतिक पुस्तकें होती हैं, जैसे गीता, बाइबल, कुरान, अभिज्ञान शकुंतलम एक काव्य है, द रामायण, गीता, जितनी भी हम धर्म के से संबंधित पुस्तक पढ़ते हैं जो हमारे धर्म से रिलेटेड होती है, जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके सब में एक बुक होती है ना, आपको पता है गीता आपके यहाँ है, बाइबल है, कुरान है, रामायण है, तो इन सभी नेम के पहले भी द का यूज़ होता है। फिर नंबर सिक्स है, विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। जो न्यूज़पेपर और मैगजीन आती हैं, पत्रिकाएँ आती हैं, समाचार पत्र आते हैं, उनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द चंदा मामा, द टाइम्स। तो ये न्यूज़पेपर के नेम्स हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द चंदा मामा, द टाइम्स। आपके यहाँ भी आता है ना दैनिक जागरण, अमर उजाला, तो आप इसके पहले भी द का यूज़ करेंगे, द जैन, दैनिक जागरण, द अमर उजाला। तो इस तरह से हम द का यूज़ इसके लिए भी करते हैं। नंबर सेवन रूल है, विद द नेम ऑफ माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स, ETC। जो पहाड़ होते हैं, ओशियंस महासागर होते हैं, रिवर्स नदियाँ होती हैं, उनके नाम के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, द हिमालयाज, द एल्प्स, द हिंदू कुश, ये सब पहाड़ियों के नेम हैं। फिर ओशियंस के नेम में देखिए, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल। तो ये क्या है, द पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन अरेबियन सी, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी। तो इन सब के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। फिर द गंगा, द नील, द हुआंगोहो, तो ये सब नदियों के नाम हैं, इनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आ गया। फिर एट रूल है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब, जैसे हम कहते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छी चीज़ों के लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं उसके पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, वो सबसे अच्छा विद्यार्थी है, तो सबसे अच्छा हो गया, बेस्ट हो गया ना, तो उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। अशोक वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, अशोक एक शक्तिशाली आदमी था, व्यक्ति था, तो स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, थ्री फॉर्म्स होती हैं। जो सबसे सुपरलेटिव, सबसे अच्छी डिग्री होती है, उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो इसको आपको पहले समझना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, पहले आप इसको वीडियो को दो तीन बार देखिएगा, समझ लीजिएगा कहाँ कहाँ द का यूज़ होता है, उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम में आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगी। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, कैरी ऑन योर स्टडी।